मैं आपको बताऊंगा रेडमी 9A स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये स्मार्टफोन 11 फरवरी को इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन सीधा सीधा रियलमी C3 स्मार्टफोन को टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन 6000 रुपए के प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, जहां हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और डुअल ईयर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन हीलियो G70 के चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रेडमी 9A स्मार्टफोन के बारे में, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो दोस्तों मोबाइल फोन के रियर साइड पर सेंटर पर हमें डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मोबाइल फोन का डिजाइन हमें सेम रेडमी 8A जैसा ही देखने को मिल सकता है। और दोस्तों फ्रंट साइड की बात की जाए तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.2 इंच HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जहां पर दोस्तों हमें एक वाटर ड्रॉप नोच भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन डिस्प्ले के मामले में एकदम बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें मीडियाटेक का एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, जो हमें रियलमी C3 स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों मीडियाटेक हीलियो G70 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें अलग अलग रैम वेरिएंट देखने को मिलेगी, जैसे 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन माइक्रो एसडी कार्ड के डेडिकेटेड स्लॉट के साथ भी लॉन्च किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया स्मार्टफोन है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरे की। तो दोस्तों मोबाइल फोन के रियर पैनल पर हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। यानी कि जो प्राइमरी कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो डेप्थ सेंसर होगा। वहीं दोस्तों सेल्फी के लिए मोबाइल फोन पर हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक दोस्तों कैमरे कंफर्म नहीं है कि हमें कितने मेगापिक्सल के कैमरे मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी की। तो दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि मोबाइल फोन पर हमें 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहां दोस्तों हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक। वहीं दोस्तों अगर मोबाइल फोन के एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 और MIUI 11 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों सिक्योरिटी के लिए मोबाइल फोन पर हमें फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस और इंडियन लॉन्च डेट की। तो ऐसे में दोस्तों ये स्मार्टफोन में 6 और 6500 रुपए के बीच में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें 6500 रुपए तक ही देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मोबाइल फोन की इंडियन लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों जैसे कि कंफर्म हो चुका है कि मोबाइल फोन 11 फरवरी को 12 बजे इंडिया की मार्केट में लॉन्च होगा। जी हां दोस्तों, ये स्मार्टफोन 11 फरवरी को इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये स्मार्टफोन फाइनली इंडिया की मार्केट में किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। क्या ये स्मार्टफोन रियलमी C3 से कम प्राइस में लॉन्च होगा यही, ये तो दोस्तों हमें 11 तारीख को पता चल जाएगा। अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं।